हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आर्किटेक्ट मनदीप चौधरी और आप देख रहे हैं हाउस डॉक्टर चैनल को। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का प्लॉट 25x56 फिट का है और ये वीडियो हम आपको सिंगल स्टोरी हाउस में दिखाएंगे। और अगर आप इस हाउस को ड्यूप्लेक्स बनाना चाहते हैं तो उसका प्लान भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो इसका एलिवेशन रहेगा ड्यूप्लेक्स का वो आपको कुछ देखने में ऐसा मिलेगा और इसका लिंक भी आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इस प्लान को आप नीचे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों जो ये हाउस है की बाकी की जो डिटेल्स हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर आ रही होंगी। तो आइए दोस्तों हम वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अच्छे कंटेंट आपको यही मिलेंगे। और दोस्तों अगर हम टेरेस की बात करें तो आपको यहाँ पर एक अच्छा गार्डन देखने को मिल जाएगा, जो कि आप वीडियो में आगे देख पाएंगे। और दोस्तों अगर इसके फ्रंट की बात करें तो आपको फ्रंट में एक अच्छा और यूनिक एलिवेशन देखने को मिल जाता है। और आप अगर फ्रंट में सामने देखते हैं तो आपको एक अच्छी खासी पार्किंग भी देखने को मिल जाएगी और आप इस पार्किंग में अपनी एक कार आराम से खड़ी कर सकते हैं। और दोस्तों अगर हम स्टेयर की बात करें तो आपका हाउस चाहे सिंगल स्टोरी हो चाहे आपका ड्यूप्लेक्स हाउस हो, स्टेयर आपको पोर्च से ही टेरेस तक कंटीन्यूअस देखने को मिल जाती है। इससे आगे बढ़ते हुए सामने आपको हाउस का ड्राइंग रूम देखने को मिल जाएगा। और जो इसका अंदर का डोर है वो हमने ओपनिंग रखी है, आप चाहें तो आप यहाँ पर एक फिक्स डोर लगा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। और दोस्तों इसी के साथ आपको ड्राइंग रूम में अच्छी सीलिंग के साथ वॉलपेपर देखने को मिल जाएगा। तो इससे आगे चलते हैं थोड़ा, सामने आपको लिविंग प्लस डाइनिंग एरिया देखने को मिल जाता है। और इस लिविंग प्लस डाइनिंग एरिया में आप एक डाइनिंग टेबल के साथ एक सोफा भी एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक अच्छा स्पेस देखने को मिल जाता है। अगर हम इससे थोड़ा आगे बढ़े तो आपको हाउस का फर्स्ट बेडरूम देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं, आप इसके सीलिंग डिजाइन्स देख सकते हैं और आपको अच्छी वार्डरोब के साथ सामने टीवी यूनिट और अटैच टॉयलेट भी देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों आपको लिविंग एरिया में एक वैनिटी देखने को मिल जाएगी, सामने देख सकते हैं। और आपको सामने एक कॉमन टॉयलेट भी देखने को मिलेगा। और जो ये टॉयलेट है हमारे सेकंड बेडरूम के साथ अटैच देखने को मिल जाता है। और दोस्तों जो ये टॉयलेट है इसकी वेंटिलेशन आपको मैकेनिकली देखने को मिल जाती है। तो इससे आगे बढ़ते हुए अभी आप सामने देख सकते हैं आपको हमारे हाउस का सेकंड बेडरूम देखने को मिल जाता है, एक अच्छी वार्डरोब के साथ और एक अच्छा क्लासी लुक देखने को भी मिल जाता है।
और दोस्तों आगे बढ़ते हुए अभी हम चलते हैं हमारे हाउस के किचन एरिया की तरफ। आप इसके गेट पर देख सकते हैं आपको MDF का अच्छा डिजाइन देखने को मिल जाता है। और जो हमारी किचन है हमने इसको फुली मॉड्यूलर रखा है। और जो इस किचन का बैक साइड का एरिया है आपको वहां पर वॉशिंग एरिया भी देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों अगर इसके ऑफसेट की बात करें, ऑफसेट यानी इसका OTS एरिया, आपकी यहाँ से वेंटिलेशन होती रहेगी। हमने यहाँ पर एक छोटा सा सिटिंग एरिया अरेंज किया है और बाकी अगर आप चाहें तो आप इसको अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों अभी हम चलते हैं हाउस के टेरेस एरिया की तरफ। आप ऊपर ममटी देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपको अच्छा स्पेस मिल जाता है। आप यहां पर टेरिस देख सकते हैं, आपको टेरिस पर अच्छा स्पेस मिल जाएगा। आप अपने हिसाब से इस जगह में आप अगर कुछ सिटिंग बनाना चाहते हैं तो आप यहां पर बना सकते हैं। तो दोस्तों आप इसका आराम से व्यू देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए क्योंकि अच्छी वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आपसे अगली वीडियो में, एक और अच्छी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तो इसी के साथ हम आपसे अभी अलविदा लेते हैं। नमस्कार।